मोरवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो गिरोह असली के बहाने सोने के नकली बिस्कुट बेचकर लोगों को चूना लगाने का काम करते थे। वहीं लोग रातों रात करोड़पति बनने के लालच में ठगों के चक्कर में आ जाते थे। पुलिस ने गिरोह को बरगवा से दबोचा है। बरामद 30,000 रुपए नकदी, नकली व असली सोना, बाइक, मोबाइल, चाकू को जब्त किया गया है। टीआई मनीष त्रिपाठी ने बताया कि नकली सोने के बिस्कुट को असली बताकर ठगी करने वाले एक सोनार सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रामदास जमुना जमालुद्दीन को बरगवा से गिरफ्तार किया गया है। 30,000 नगद, नकली सोने का बिस्किट, कुछ असली व नकली सोना, एक चाकू जब्त किया गया है। बदमाशों ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक ठगी करना स्वीकार किया है। मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में ठग गिरोह का पर्दाफाश करने में उप निरीक्षक सरनाम सिंह, साहबलाल सिंह, संतोष सिंह, अरविंद चौबे, डीएन सिंह, संजय सिंह परिहार, राहुल चौहान, रविदत्त पांडे, राम नरेश प्रजापति, विष्णु रावत, ज्योति पांडे आदि की सराहनीय भूमिका रही है। थाना मोरवा अंतर्गत हमने एक अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें प्रार्थी ने आकर बताया कि गोरबी की खदान के अंतर्गत एक मजदूर ने उसे बताया कि उसे 4 से 5 बिस्किट सोने के मिले हैं, जिसे अगर वो चाहे तो खरीद सकता है। प्रार्थी इस लालच में आ गया और उसने उस सोने के बिस्किट को खरीदने के लिए कुछ पैसे लेकर जंगल की तरफ गया। जंगल में 5 लोग उसे मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि ये जो गोल्ड की बिस्किट है उसका थोड़ा सा पार्ट काट कर उसे देते हैं, जिसकी तस्दीक कराने वो सुनार के पास जाता है और सुनार उसे कंफर्म करके बताता है कि हाँ, ये सोना ही है। चूंकि वो इस कलाबाजी के साथ काटते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता है कि गोल्ड का ओरिजिनल टुकड़ा उन्होंने अलग से जोड़ा हुआ था। इसके बाद वो उससे और पैसे मांगते हैं और जंगल में जब वो 30,000 रुपए लेकर जाता है तो उससे वो पैसे छुड़ा लेते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं हमारे सामने आ रही थी और यूपी के संबंधित जिलों में भी हमारी बात हुई, वहां पर भी ऐसी चर्चाएं हमारे सामने आ रही थी, जिसकी तलाश हमारी टीम सरगर्मी से कर रही थी। इस ठगी गिरोह के 5 सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया है और उस सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने ये पीतल की जो सिल्ली है उसको बनाने का कार्य किया था। इसमें मोरवा थाने के प्रभारी मनीष त्रिपाठी, साहबलाल सिंह, सरनाम सिंह, संजय परिहार, संतोष सिंह, अरविंद चतुर्वेदी, ज्योति, जया और दुबे जी का विशेष योगदान है और इस तरह की कार्रवाइयां आगामी रूप से चलती रहेंगी। धन्यवाद।